हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे अपने DSLR कैमरा से हम नाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं, कैसे हम स्टार की फोटोग्राफी कर सकते हैं अपने DSLR कैमरे से। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, आपको अपने DSLR को आपको ट्राइपॉड पे सेट करना है, क्योंकि इस नाइट फोटोग्राफी के अंदर आपको स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि आपकी जो फोटो का शटर स्पीड होता है वो आपको 20 और 30 और 25 के बीच में रखना होता है। इसीलिए आपको लॉन्ग एक्सपोजर टाइप की फ़ोटो लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने DSLR को ट्राइपॉड पे माउंट करना ज़रूरी है। और दोस्तों, आपका जो DSLR का जो लेंस होगा उसको आपको ऑटो मोड की जगह मैनुअल मोड पे रखना होगा, इससे आप बेहतरीन फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और आपका जो DSLR का मोड होगा वो भी आपको मैनुअल मोड पे ही सेट करना है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या हमारे को सेटअप करना है और किस तरीके से हम नाइट फोटोग्राफी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने DSLR को अपने ट्राइपॉड पे सेट कर लेना है और आपका जो लेंस है वो आपको मैनुअल मोड पे रखना है। उसके बाद में हम अपना DSLR ऑन करेंगे और हमारे डायल के थ्रू हम मैनुअल मोड को सेट कर देंगे। मैनुअल मोड को सेट करने के बाद आप दोस्त देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे को जो रेशियो रखना है वो रखना है 20 सेकेंड का हमारे को रेशियो रखना है। मैंने ये अपना 20 सेकेंड के ऊपर सेट कर दिया है। और उसके बाद में दोस्तों, आपको जो ISO रखना है वो ISO रखना है, इसको ऑटो मोड पे है भी, ISO को मैं 1600 पे फिक्स कर देता हूँ। या ISO मैंने 1600 पे फिक्स कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा जो फ़ोटो शूट करने के लिए जो टाइमर है उसको हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, तो टाइमर को मैं 2 सेकेंड पे सेट कर देता हूँ अभी, क्योंकि हमारी फ़ोटो स्टेबल आनी चाहिए, फ़ोटो हिलनी नहीं चाहिए। तो फ़ोटो को टाइमर को मैं अभी 2 सेकेंड पे सेट कर देता हूँ। और वाइट बैलेंस है दोस्तों जो मैं अभी एम्बिएंट मोड पे रख देता हूँ, ऑटो मोड पे रख देता हूँ वाइट बैलेंस को भी मैं। इसके बाद में दोस्तों, हमारा जो सेटअप है वो रेडी है। एक बार आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कैमरे के थ्रू इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने लगा दिया सेटअप और अब मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं फ़ोटो क्लिक कर रही है, 20 सेकेंड का हमने टाइम लगाया था। दोस्तों, हमारी फ़ोटो क्लिक हो गई है। और हमारी फ़ोटो कैसे क्लिक हुई है ये आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं सारी फ़ोटो को एक बार वीडियो के लास्ट के अंदर पुट कर दूंगा, एक साथ वीडियो के एंड के अंदर। देख सकते हैं हमारी फ़ोटो किस तरीके की आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना, जो भी आपका दोस्त फोटोग्राफी करता है उसको, और वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइज़।